मछली पालन है ना, तो इसे कैसे का होता है इसमें? देखो तो मछली पालन वैसे बहुत अच्छी चीज़ है और आप लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि आजकल हाईवे पे तमाम गड्ढे पड़े रह रहे और निस्वार्थ पानी भरा उनमें, ठीक है ना, उससे आपको एक अर्निंग होगी। और ग्राम सभा के तालाब हैं उनमें भी मछली पालन करना चाहिए, नाली गंदी जो नाली के गंदा पानी जाता है ना तो वो भी अट्रैक्टिव होता है उससे। अब तालाब कम से कम एक हेक्टेयर का हो, एक एकड़ का हो या 50 डिसमिल हो, सबसे कम छोटा तालाब जो होता है वो 50 डिसमिल का होना चाहिए। 50 डिसमिल एक सवा बीघा का एक तालाब है तो उससे आपका मछली का प्रोसेस शुरू हो जाता है, सरकारी योजनाओं का भी लाभ उसमें मिल जाता आपको। तो सवा बीघा में कितने हजार मछली? देखिए होता क्या है कि जैसे एक हेक्टेयर के तालाब में हम 6,000 से लेके 10,000 फिंगरलिंग डालते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए अगर आपका तालाब नहीं मान लो 50 डिसमिल का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 बच्चे डालो, सिर्फ 3,000 और फिंगरलिंग डालो। और फिंगरलिंग बच्चे आपको होता क्या है, आदमी सोचता है नहीं यार ताला हमारा बड़ा है बच्चे हम ज्यादा डाल दें, तो लालच में आके वो अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर आपने 3,000 बच्चा फिंगरलिंग डाल दिया और या एयरलिंग डाल दिया तो भी बहुत अच्छी बात है, एयरलिंग डाल दिया तो और अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि जो आपका बच्चा मान लीजिए 500 डैमेज हो गया, 2,500 बच्चा होता है, 2,500 बच्चा कितना हुआ आपका 25 क्विंटल, अगर 1 किलो साइज वेट हो रहा है और 25 क्विंटल यदि आज की डेट में मछली 200 रुपये किलो है तो कितने का हो गया 5,00,000 रुपये का आपका बच्चा तैयार है, मात्र कितने बच्चे 250 बच्चे 2,500 बच्चे। लेकिन आदमी क्या कहता है भाई साहब 50,000 डालना 10,000 डालना 10,00,000 एकदम करोड़पति, बायोमास बढ़ाना चाहिए ना कि बच्चे बढ़ाओ। भाई आप बच्चे की संख्या बढ़ाओगे तो फायदा किसका होगा, हैचरी वाले का, और बच्चे कम डालोगे फायदा आपका। भाई 3,000 बच्चे हम कह रहे कितने के ले लो आप, 5 रुपए का मिला कितने का, 5 किलो 15 15,000 किया है भाई। हमें तो अपना माल बेचना, हम तो कह दे 50,00,000 डाल दो, हमें क्या दिक्कत, हमारा तो माल जाना सेल हो रहा है, आपका नुकसान है। हमारा माल जा रहा तो हम तो आपको उचित और वही सलाह देंगे जिससे किसान बने। बस बस आज हम जो सलाह आपको देंगे तो कल आप हमारे पास दोबारा आओगे। बिल्कुल बिल्कुल, और निःशुल्क सलाह देते हैं, कभी भी आप आओ किसी वक्त आओ। हमारा उद्देश्य तो यही है जो हमारा जब किसान जब आगे बढ़ेगा तभी तो हम बढ़ेंगे, हचरी वाला कैसे बढ़ेगा, कितने हम प्रोडक्शन कर लें, आपको एक बार उल्लू बना देंगे।